हाय, आज हम करेंगे चैप्टर 2.0 वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 में हमने सीखा डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है एंड डिग्री के हिसाब से उस पॉलीनोमियल का नाम क्या होता है। आज हम सब सीखेंगे जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल। जैसे कि इसका नाम है वैसे इसकी बात है। जैसे कि इसका नाम है जीरोस, तो ये क्या होता है, एक नंबर होता है। ये वो नंबर होता है जो पॉलीनोमियल की वैल्यू को जीरो बनाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। एग्जांपल है px is equal to x square minus 4x plus 4। हमें चेक करना है is x is equal to 2, x is equal to minus 1, zeros of this polynomial। ठीक है, ये हमें चेक करना है। हमें चेक करना है, दो नंबर दिए हैं, हमें चेक करना है x is equal to 2 इसका जीरो होगा या नहीं, माइनस 1 इसका जीरो होगा या नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो पॉलीनोमियल को जीरो बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। हम चेक करेंगे x is equal to 2 के लिए, या हम चेक करेंगे x is equal to minus 1 के लिए। तो चेक कैसे करते हैं, आप x की ये वैल्यू उस पूरे पॉलीनोमियल में x की जगह रिप्लेस कर दो। जहां जहां x लिखा है वहां वहां आप माइनस 1 ले दो एंड सॉल्व कर दो। सो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 4। सो माइनस 1 होल स्क्वायर इज 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज प्लस 4 एंड प्लस 4। यहां से हमारा आंसर आ गया 9। अब हम यहां पर भी एक प्रोसेस रिपीट करते हैं, p की वैल्यू x की वैल्यू 2 रिप्लेस करते हैं। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। सो ये आ गया 4 माइनस 8 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0। आपके सामने है, आप बताओ कि कौन से इन दोनों में से कौन से नंबर ने पॉलीनोमियल की वैल्यू को 0 बनाया। इसने, ये तो 0 नहीं है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, यहां लिख देते हैं x is equal to 2 is 0 of this polynomial. और यहां पे क्या आ गया, x is equal to minus 1 is not 0 of this polynomial. सब समझ में आया। बेसिकली आपको करना क्या है, जो नंबर चेक करना है उस नंबर को x की जगह डाल दो पॉलीनोमियल में। अगर आपका आंसर जीरो आ जाए तो आप बोलोगे ये जो नंबर है ये जीरो ऑफ पॉलीनोमियल है, और अगर आंसर जीरो नहीं आता है तो आप बोलोगे ये नंबर जीरो ऑफ पॉलीनोमियल नहीं है। सिंपल, इतना सही करना है। ओके, अब हम वीडियो नंबर 3 में सीखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलीनोमियल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।